लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र के गांव हरियरपुर में चल रहे 5 दिवसीय बौद्ध धर्म कथा अंतिम दिन में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों की एक महिला सहित 11 लोगों को चोट आई, जिसमें गंभीर रूप से 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अन्य सीएससी मितौली में इनका इलाज चल रहा है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। आयोजन कर्ता विनोद पुत्र बैजनाथ ने बताया कि गांव में बौद्ध कथा चल रही थी, इसका शासन व परमिशन भी लिया गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही हरियरपुर गांव पहुंचे पुलिस अधीक्षक, जानकारी देते उन्होंने बताया कि कथावाचक के द्वारा माइक पर ऐसे कुछ शब्द कहे गए कि जो देवी देवताओं को लेकर, उसको भी हम पता लगाने का काम कर रहे हैं। अगर दोनों पक्षों में से जो घटना के कारक होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो गांव है यहाँ 3 दिन से कथा हो रही थी, बहुत कथा हो रही थी, और आज जो कथावाचक है उनके द्वारा माइक में कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो आपत्तिजनक थे, विशेषकर हिंदू धर्म को लेके, देवी देवता को लेके। पास में ही कुछ लड़के हैं जिन्होंने इसका विरोध किया और इनकी कहा सुनी थोड़ी बढ़ गई, जिसमें आपस में झगड़ा हुआ है। झगड़े में निश्चित तौर पर जो हमारे जो कथा में सम्मिलित लोग थे उसमें से कुछ व्यक्ति को चोट आई है, खासकर उसके ऑर्गेनाइजर को भी चोट आई ज़्यादा, उनका इलाज चल रहा है। इनके द्वारा शिकायत दी गई जिसके आधार पर हम FIR पंजीकृत कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। साथ साथ हम उन कारणों को भी ढूंढ रहे हैं कि जिसके कारण क्यों ये विवाद उठा है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि पिछले साल भी इस कथा को लेकर आपस में कहा सुनी हुई थी और बाद में ये सुलह हो गया था, इस कारण को भी हम ढूंढ रहे हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि वास्तव में कथा के दौरान ऐसी कौन सी भाषा बोली गई कथावाचक के द्वारा जिसके कारण ये विवाद बढ़ा है। तो हम पूरी गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है, CO साहब मौके पे हैं, यथा इससे यहाँ जो कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है, कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। एहतियातन या कुछ फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है, हमने लोगों से बातचीत की है, इनकी बातें बहुत गंभीरता से सुनी है। हमने इसे अपील भी की है कि जो घटना हो गई है इसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और आपके साथ न्याय होगा, और पूरी घटना को हम संपूर्णता से देखते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जो भी दोनों पक्ष में से जो भी इस घटना के पीछे कारक रहा है या फिर कुछ दिक्कतें की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।